अब थोड़ा ध्यान से सुनाता आप लोगों को टैपिक नॉइज। हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडस मोटर्स। थोड़ा आई नो बाल की हालत ख़राब है लेकिन आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट एंड सिंपल। मैं आया हूँ मीनाक्षी TVS में जहाँ पर मैंने सर्विस करा था मोस्टली। एक्चुअली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम मेरे बाइक में एक छोटा सा इशू आया, नहीं सॉरी सेकेंड टाइम में इशू आया, छोटा इशू है कि बड़ा ये मुझे पता नहीं लेकिन है। एक्चुअली जब मेरी बाइक में जब चला रहा हूँ तो थोड़ा इंजन हीटअप होने के बाद में थोड़ा टैपिंग साउंड आ रहा है, टक 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 टक, थोड़ा सा। आप केयरफुली सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और मेरे बाइक को एक साल भी हुआ नहीं, अभी मार्च में से एक साल हो जाएगा, और एक साल के पहले अगर ये हालत है TVS की सो आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग ये बाइक लेनी चाहिए आपको। सो देखता हूँ अभी योगेश जी आ रहे हैं, योगेश भाई आ चुके हैं। योगेश भाई को पहचाना कि नहीं, इन्होंने अपनी बाइक सर्विस की थी। भाई थोड़ा इसमें से टैपिंग साउंड आ रहा है, सुनाता हूँ मैं, जरा आप लोग को भी दिखाता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से सुनाता आप लोगों को टैपिंग नॉइज, हल्की सी है लेकिन है, जो एक हल्का सा चु 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 एक नॉइज है ना वो है टैपिंग नॉइज, वो है हल्का सा। सो वही देख रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं और बताता हूँ मैं क्या इशू है एक्चुअली में। सो हमने हमारी ड्रैकोर बसंती को छोड़ दिया मीनाक्षी में, अभी जाना पड़ रहा है चल के। एक्चुअली वो आधे घंटे का काम है लेकिन अभी ये लोग का होगा लंच ब्रेक 1:30 को और मेरा लंच ब्रेक 2 बजे तक है, तो मुश्किल हो जाएगी अगर मैं पहुंचा नहीं तो। मुझे योगेश जी पे तो भरोसा, उसने मुझे बोला है कि वो मुझे वीडियो वीडियो सब निकाल के देगा, ठीक है इन पे भरोसा है, इसके लिए तो मैं मीनाक्षी में आता हूँ सर्विसिंग के लिए। सो देखते अभी शाम को क्या इश्यू है। और ये वारंटी में ही है मेरी बाइक, उसने कहा कोई मेजर इशू नहीं है। एक्चुअली मैं सर्विसिंग के टाइम पे जो हमारा फ्री सर्विस का टाइम होता है उसमें दिया हुआ है कि उसमें टैपिंग सेटिंग रहता है, ये लोग ने शायद से किया नहीं इसकी वजह से ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो एक बार हो जाए तो बाकी सब नॉर्मल ही हो जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ शाम को। बाइक बन के रेडी है, थैंक गॉड कोई मेजर इशू नहीं था, सिर्फ जो ऊपर के नट्स होते वो ढीले थे, लेकिन ये लोग को ध्यान रखना चाहिए सर्विस में, क्योंकि इन लोगों ने तो ईमानदार से बता दिया कि ये लोग से सर्विस में रह गया था बट पार्ट, लेकिन कोई दूसरा होता तो क्या करता। तो बाइक यहाँ पर है, हमारे ड्राइको रेडी है, अब जरा इसके इंजन साउंड देखते हैं फिर निकलते हैं। अब जरा बाइक का काम हो चुका है, अब जरा एक्सीलरेट करके देखता हूँ। तो अभी मैं गाड़ी मेरी वाशी से चला के ला रहा हूँ और अभी साउंड सुनो। सो अभी गाड़ी बराबर चल रही है। एक्चुअली हमें एक आदत होती ना कि अगर हमारी गाड़ी में कुछ खराबी होगी तो उसकी आवाज की आदत हमें कान को लग जाती है। सो मैं अभी वही मेरी गाड़ी चला रहा था वही सुन रहा था बार बार कि कोई दूसरा आवाज है क्या, दूसरा आवाज आ रहा है क्या, लेकिन नहीं, गाड़ी अभी प्रॉपर हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। और रीजन टैप हेड्स के जो नट होते हैं लूज होने का रीजन उसने मुझे बताया कि आई एग्री कि मैं अभी बीच में राइड पे गया था ना AOG के राइड पे, सो उसने उससे पूछा कि सर आप ज्यादा देर तक अभी बाइक भागाए थे क्या वहां पर ये हो। सो नॉर्मली रेंज में तो बाइक भागी ही थी, तो उसने बताया कि सर कभी कभी क्या होता है इंजन नया नया होता है, जैसे कि ये सब BS6 नया नया इंजन है, सो कभी कभार क्या नट हल्के से लूज हो जाते हैं, तो जिससे जनरल चेकअप पे टाइट कर सकते हैं। कोई कोई सर्विस वाले, कुछ कुछ सर्विस सेंटर वाले ये सब नट टाइट करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं। सो और ये सबका लूज नहीं होता, कभी कभार किसी का होता है, जैसे कि मेरा रफ यूज़ होता है, रफ यूज़ मतलब अच्छे रोड्स पर भी होता है गंदे रोड्स पर भी होता है मोस्टली, तो उसकी वजह से थोड़ा नट ढीला हो गया इसलिए टैपेड नॉइज आ रहा था, हो गया है। और एक और बात प्राइसिंग की रही, बात प्राइसिंग की, ये तो मैंने फ्री सर्विस में रहते हुए कराया, इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इसे पेड सर्विस में करवाते हो तो आपको ₹350 चार्जेस लगता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करो अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, नीचे आईडी आ रहा है, और कुछ भी क्वेश्चन से मुझे बिंदास पूछा, विल देयर टू हेल्प यू आउट।